वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला फार्मूला है कि डेल्टा। तो ट्राइंगल का जो सिंबल होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का फार्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए इज या हाफ सी ए साइन बी या हाफ ए बी साइन सी। इसमें से किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो उसमें से उस ट्राइंगल की दो साइड दी होगी और एक एंगल दिया होगा। जब एक एंगल दिया होगा तब हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकलता है। एरिया मतलब होता है डेल्टा। अगर हमें किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर उस ट्राइंगल की दो साइड दी है, उस ट्राइंगल के दो साइड के बीच का जो एंगल जो दिया होता है वो, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ सी ए साइन बी, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। तो ये डेल्टा का फार्मूला है। अगर इनमें से कोई भी दो साइड दी हुई होगी तो उनके बीच का एंगल दिया होगा, उन दो साइड के बीच का एंगल दिया होगा, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर हमें डेल्टा की वैल्यू दी होगी और साइड दी होगी, दो साइड दी होगी और डेल्टा, यानी डेल्टा मतलब होता है उस ट्राइंगल का एरिया दिया होगा, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन बी सी, साइन बी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन सी ए, साइन सी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए बी। यानी कि दो साइड के बीच का अगर हमें एंगल निकालना हो और हमें एरिया दिया हो और दो साइड दी हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें जब दो साइड दी होगी और उनके बीच का एंगल गिवन होगा तब हमें और डेल्टा निकालने के लिए पूछेगा, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा को हम कैपिटल एस से भी इंडिकेट करते हैं। तो डेल्टा का रूप ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा स्मॉल एस है, स्मॉल एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये होता है तीनों साइड का सम का हाफ कर देंगे तो वो स्मॉल एस के इक्वल हो जाता है। अब सेकेंड फार्मूला ये है टेन ए माइनस बी बाई टू जब निकालना होता है तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, तो उनके बीच का एंगल दिया जाता है टेन बी माइनस, इसी तरीके से टेन बी माइनस सी बाई टू का फार्मूला होता है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू, टेन सी माइनस ए बाई टू का फार्मूला होता है सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू। कैपिटल ए और बी और ये सी, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लेटर्स जो होते हैं ये ट्राइंगल के साइड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आर है, कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है ये सर्क्यूम सर्किल है, सर्क्यूम सर्किल का रेडियस है। तो या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। जब हमें ट्राइंगल के परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होती है तो फार्मूला ये लगाते हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू साइन ए या बी बटे टू साइन बी या सी बटे टू साइन सी। तो अगर हमें ट्राइंगल में एक साइड दी होगी और वही उसी साइड के सामने वाली उसी साइड के सामने वाले का एंगल दिया होगा, तब हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है ए बटे टू साइन ए से निकाल लेंगे। तो उनमें से कोई भी एक साइड दी होगी, उस साइड के सामने वाले का एंगल अगर गिवन है तब हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। लेकिन हमें उस ट्राइंगल के तीन साइड दी होगी और उस ट्राइंगल का एरिया दिया होगा और तब हमें उस ट्राइंगल का परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, तो हम ये निकालेंगे ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। तो ये फार्मूला लगाते हैं। अगर हमें डेल्टा की वैल्यू नहीं दी है तो डेल्टा का फार्मूला ये वाला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा का। तो डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू पुट करिएगा तो आपको परिवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। तो इसी तरीके से ये निकला है, अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या दी हो और उस एंगल दिया हो और उसी एंगल के सामने वाली साइड की वैल्यू अगर पता करने के लिए कहता है तो फॉर्मूला ये बनेगा ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए, बी इज इक्वल टू टू आर साइन बी, सी इज इक्वल टू टू आर साइन सी। तो ये फार्मूला होता है परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फार्मूला। तो इनमें से कोई भी चीज़ दी होगी, कोई भी दो चीज़ या तीन चीज़ दी होगी, चौथी चीज़ निकालनी होगी। तो ये जहाँ पे आर जो है परिवृत्त की त्रिज्या है, इसको हम कहते हैं
इसको कहते हैं सर्क्यूम सर्किल की रेडियस। आर जो है सर्क्यूम सर्किल का रेडियस है, या हिंदी में कह सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे आ जाइए फोर्थ, चौथा फार्मूला है, ये जो स्मॉल आर है ये इन सर्किल का रेडियस, इन सर्किल का ये रेडियस है, या इसको हम कह सकते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा तो आपको पता है, डेल्टा जो होता है ट्राइंगल का एरिया होता है, और ये स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है। कैपिटल एस होगा वो अलग दिखेगा और स्मॉल एस अलग है। तो जब हमें डेल्टा और एस की वैल्यू दी होगी तो आर इज इक्वल टू डेल्टा अपन एस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें उसमें से एक साइड दी होगी, एंगल दिया होगा, तब हमें ये निकालना होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, इसी तरीके से एस माइनस बी टेन बी बाई टू, इसी तरीके से एस माइनस सी टेन सी बाई टू। यानी कि उस ट्राइंगल का एक साइड गिवेन होगा और उसी ट्राइंगल का सामने वाला एंगल गिवेन होगा, और साथ में और एस की वैल्यू निकालना है। अगर उस ट्राइंगल का तीनों साइड दी होगी तो हम उससे एस निकाल सकते हैं, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और उस फार्मूला का यूज करते हुए हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब यहाँ पे आ जाइए, जब हमें ट्राइंगल दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है, और परिवृत्त की त्रिज्या अगर गिवन है, उसी ट्राइंगल की परिवृत्त है, परिवृत्त की त्रिज्या गिवन है, और हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल गिवन हो, तब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आर इज इक्वल टू फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है अंतःवृत्त त्रिज्या निकालने का, जब हमें परिवृत्त की त्रिज्या गिवेन हो और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल गिवेन हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और आर वन इज इक्वल टू ये जो होता है ये बहिवृत्त इस्क्राइब्ड सर्किल की रेडियस है, आर वन आर टू आर थ्री, ये एंगल के सामने वाला, तीन एंगल हैं, एवरी एंगल के सामने वाले साइड का अगर हमें बहिवृत्त खींचना होगा अलग अलग साइड से, तो उसी के अनुसार रेडियस दिया हुआ आर वन आर टू आर थ्री। तो बहिवृत्त ट्राइंगल का जो बहिवृत्त होता है उसमें तीन वृत्त खींचे जाते हैं, अंतःवृत्त में केवल एक वृत्त खींचा जाता है, और परिवृत्त में केवल एक उस कंप्लीट ट्राइंगल का कंप्लीट सर्किल होता है। तो आर टू, तब आर वन अगर निकालना हो तो डेल्टा पान एस माइनस ए, या इससे निकाल सकते हैं जब हमें साइड दी होगी और डेल्टा दिया होगा, या अगर एस टेन ए बाई टू, जब आर वन निकालना होगा तो एस टेन ए बाई टू फॉर्म लगाएंगे, या जब हमें परिवृत्त की त्रिज्या भी गिवन होगा तब हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, फोर आर साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। आर वन अगर होगा तो साइन ए बाई टू करना होगा, आर टू अगर करना है, आर टू का फॉर्मूला होता है डेल्टा पान एस माइनस बी, इसी तरीके से, और एस टेन बी बाई टू, आर टू दिया है तो बी वाला होगा, बी वाला एंगल लेंगे, और इसी तरीके से जब आर टू होगा तो फोर आर, तो हमें आर टू के सामने वाली जो साइड होगी वो बी होगी, तो बी जो है साइन बी बाई टू लेंगे, फिर कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू। तो जिसका अगर हमें पूछेगा, जिस एंगल के सामने वाली साइड का एंगल अगर है, तो उसको हमें साइन के रूप में लेना है, बाकी सब कॉस के रूप में लेना है। आर थ्री इक्वल टू होता है डेल्टा पान एस माइनस सी इज इक्वल टू एस, या दूसरा फार्मूला होता है एस टेन सी बाई टू। तो इसमें से जो फार्मूला भी की जरूरत होगी वो फार्मूला हम लगाएंगे। अब यहाँ पे आर थ्री की वैल्यू, अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या भी दी हो और एंगल दिया हो, और हमें आर थ्री का मतलब होता है ये तीसरी साइड के सामने वाला बहिवृत्त बना है, तो उस बहिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो फोर आर साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू। तो आर जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इन सर्किल ऑफ रेडियस, या आर वन आर टू आर थ्री, ये बहिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो तीन साइड होती है ट्राइंगल के, हर साइड के बाहर वो वृत्त बनता है। तो इस तरीके से ये फार्मूले हैं। तो हम थोड़ा फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये ट्राइंगल है,
ये तीन ट्राइंगल है, ये एक ये ट्राइंगल है, ये जो ये वाला जो है परिवृत्त है, परिवृत्त ए बी सी, ये वाला जो है एंगल के अकॉर्डिंग बनता है ए बी सी, ये एंगल के अकॉर्डिंग बनता है, जहाँ पे ये कट करता है तो ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। ये जो है इसकी जो रेडियस होगी आर होगी, इसे कहते हैं अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त। और ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो ये जो होगा आउट एरिया बनेगा इसके हिसाब से, एक यहाँ और इसके हिसाब से एक यहाँ बाहर आर बनेगा। तो इस तरीके से ये आर वन होता है, नहीं ए के सामने वाली साइड का जो सर्किल होगा वो आर वन होगा, बी के साइड के बी एंगल के सामने वाला आर टू होता है, सी एंगल के सामने वाला आर थ्री होता है। तो इसी तरीके से एंगल ए के सामने वाली साइड ए होती है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली जो साइड होती है बी स्मॉल बी होती है, एंगल सी के सामने वाली साइड सी होती है। तो बस ये होता है, ये परिवृत्त है, ये अंतर्वृत्त है, ये बहिर्वृत्त है। जब हमें साइड पर लेना होता है तो साइड पर जो वर्क सर्किल खींचना होता है वो बहिर्वृत्त कहलाता है, बहिर्वृत्त, ये बहिर्वृत्त है, बहिर्वृत्त। तो बहिर्वृत्त को इस्क्राइब्ड कहते हैं, इस्क्राइब्ड, इस्क्राइब्ड सर्किल, और अंतर्वृत्त को कहते हैं इन सर्किल, और परिवृत्त को बोलते हैं सर्क्यूम सर्किल। सर्क्यूम सर्किल, तो ये तीन सर्किल हैं, एक परिवृत्त वाला सर्क्यूम सर्किल, एक इन सर्किल, एक स्क्राइब्ड सर्किल। तो ये जो है इस वाले सर्किल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आर, इसको स्मॉल आर से, इसको आर वन आर टू आर थ्री के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका अलग अलग फार्मूला है, तो ये मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले। अब ये आर जो है ये परिवृत्त की त्रिज्या है, आर जो है ये रेडियस है, ये जो है परिवृत्त की रेडियस है, और ये वाला जो है अंतर्वृत्त का रेडियस है ये, और ये जो है ये बहिर्वृत्त स्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस है, स्क्राइब्ड सर्किल का रेडियस है। तो इस तरीके से हमें जिस ट्राइंगल का, अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो कैपिटल आर लेंगे, अगर हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो स्मॉल आर लेंगे, अगर हमें बहिर्वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो आर वन आर टू आर थ्री लेंगे, अगर आर वन पूछ रहा है तो आर वन की वैल्यू आर वन का फॉर्म लगाएंगे, अगर आर टू का, अगर आर टू का रेडियस पूछ रहा है तो हम आर टू वाला फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसी जैसी ज़रूरत होगी वैसा वैसा फार्मूला लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल के कुछ सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला बेस्ड, फार्मूले के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।